तूने कह दी, मैंने कह दी, दुनिया एक कहानी। इस दुनिया के मेले में कोई राजा है कोई रानी। तेरे नैनू ने चोरी किया, कर लो ये वादा गोरी, आओगी चोरी चोरी, कर लो ये वादा गोरी, आओगी चोरी चोरी। माहियो माहियो माहियो, दुपट्टा मेरा दे दे, दुपट्टा मेरा दे 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 दे। अरमां मचल रहे हैं होठों पे है तराना, दिल किस तरह संभाले, हाय जवां जमाना। हो छाया समा सुहाना, हो छाया समा सुहाना। बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहां गिरा। क्या आपको मालूम है कि इतने खूबसूरत गाने रचने वाले संगीतकार हुस्नलाल भगतराम के नीचे एक संगीतकार जोड़ी काम करती थी उनके सहायक के तौर पर। वक्त की मार देखिए, संगीतकार हुस्नराम भगतराम के सितारे गर्दिश में चले गए और उनके नीचे काम करने वाली संगीतकार जोड़ी के वारे न्यारे हो गए। किस्मत इतने पर ही नहीं रुकी, कभी मालिक रहे संगीतकार भगतराम को अपने उसी सहायक संगीतकार जोड़ी के नीचे काम करना पड़ा। कौन थी वो संगीतकार की जोड़ी और कैसे टूटा था संगीतकार हुस्नलाल भगतराम पर किस्मत का कहर, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार हुस्नराम भगतराम की, उनके गानों की और उनके किस्मत की, उनकी मजबूरी की और इसकी कि जब किस्मत की लकीरें बदलती हैं तो आदमी को कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि हम संगीतकार हुस्नलाल भगतराम की बात करें, उसके पहले उनके बनाए ये खूबसूरत गाने सुन लीजिए। तूफान से तिनके बिखर गए, तूफान से तिनके बिखर गए। सुन मेरे ताज ना, देखो जी मुझको भूला जाना। अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवे। तुझे बेदर्दी तो है, लाज ना आए रे, नाजुक गलाई मोड़ी टूट ना जाए रे। परदेसिया है तेरे नैनू ने, तेरे नैनू ने। दोस्तों, संगीतकार हुस्नलाल भगतराम सगे भाई थे, उनके एक बड़े भाई थे, नाम था पंडित अमरनाथ। पंडित अमरनाथ खुद एक अच्छे संगीतकार थे। दुर्भाग्य से पंडित अमरनाथ की बेवक्त मौत हो गई और छोटे भाइयों यानी हुस्नलाल भगतराम को मैदान में आना पड़ा। हुस्नलाल भगतराम ने अपना सफ़र साल 1944 में शुरू किया और अगले 22 साल तक यानी कि 1966 तक चलते रहे। दोनों भाइयों में भगतराम बड़े थे, वो 1914 में पैदा हुए थे जबकि हुस्नलाल 1920 में पैदा हुए थे। मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच 6 वर्ष का फासला था। दोनों भाइयों ने अपने सफ़र की शुरुआत की 1944 में। फिल्म थी दासी। इस फिल्म में दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई संगीतकार पंडित अमरनाथ के सहायक के तौर पर काम किया था। अपने दम पर दोनों भाइयों ने जिस फिल्म में संगीत दिया वो फिल्म थी चांद। हुस्नलाल भगतराम ने देवानंद की पहली फिल्म हम एक हैं में भी संगीत दिया था। हम एक हैं आई थी 1946 में। संगीतकार हुस्नलाल भगतराम ने अब नियमित रूप से फिल्मों में संगीत देने का काम शुरू कर दिया था। 1948 में हुस्नलाल भगतराम ने फिल्म प्यार की जीत में संगीत दिया। इसमें मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया था एक दिल के टुकड़े हजार हुए। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इस फिल्म में सुरैया ने भी खूबसूरत गाने गाए थे। तेरे नैनू ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया। दूर जाने वाले, वो तो न भूल जाना।
इसके बाद दोनों भाइयों ने फिल्म बड़ी बहन में संगीत दिया, जिसमें मोहम्मद रफी ने भी गाया। मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए, कोई ना आए। लता मंगेशकर ने भी उनके लिए गाया। जो दिल में खुशी बन कर आए, जो दिल में खुशी बन कर आए। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। सुरैया ने हुस्न लाल भगत राम के लिए बड़ी बहन में कई बेहद खूबसूरत गाने गाए थे। तुम मुझको भूल जाओ, अब हम न मिल सकेंगे। फिल्म नाच में मोहम्मद रफी और सुरैया ने हुस्न लाल भगत राम के लिए गाया। छाया समा सुहाना हो, छाया समा सुहाना। मीना बाजार में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर फिर साथ आए। हम ना देंगे तू जोर लगा ले, जोर लगा ले। माहियो, माहियो, माहियो। 1951 में आए फिल्म सनम में भी मोहम्मद रफी ने बढ़िया गाया। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं, और दिल में तेरे बस जाऊं। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ थी सुरैया। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगी। संगीतकार हुस्न लाल भगत राम लगातार खूबसूरत संगीत दिए जा रहे थे। तो बोलो क्या करोगे। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो। संगीतकार हुस्न लाल भगत राम ने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के लिए एक खूबसूरत गजल भी तैयार किया। सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना। सुन ये गजल है फिल्म आंसू का। इसमें मोहम्मद रफी के साथ हैं लता मंगेशकर। उन्नीस सौ 1954 में हुस्न लाल भगत राम ने फिल्म शमा परवाना में बेहद खूबसूरत संगीत दिया। ओ तूने मेरा यार ना मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। ओ तूने मेरा यार, सुन लूं गम तेरे दुख दर्द मिटा दूं, होंठों पे नगमों की कलियां खिला दूं। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ थी सुरैया। उन्नीस सौ 1954 तक संगीतकार हुस्न लाल की किस्मत उनके साथ थी, लेकिन इसके बाद किस्मत उन्हें दगा देने लगी। उन्हें काम मिलना कम हो गया। इससे तंग आकर हुस्न लाल दिल्ली चले गए और वहां संगीत की शिक्षा देने लगे। दिल्ली में 28 दिसंबर 1968 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 48 साल। अपने छोटे भाई हुस्न लाल की मौत से भगत राम टूट गए। एक जमाना था जब संगीतकार भगत राम के लिए संगीतकार शंकर तबला बजाया करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि शंकर जयकिशन की पहली फिल्म बरसात के गाने भी हुस्न लाल भगत राम से प्रभावित थे। अब भगत राम अकेले थे। उनका प्यारा भाई उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुका था। कहा जाता है कि मजबूरी में भगत राम को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक के तौर पर काम करना पड़ा। कभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बतौर सहायक संगीतकार भगत राम के लिए काम करते थे। भगत राम कष्ट में थे। कहा जाता है कि भगत राम ने किसी तरह 5 साल निकाले और आखिर एक दिन 29 नवंबर 1963 को इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उस समय उनकी उम्र थी 59 साल। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।